दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशहूर अभिनेत्री जूही चावला की कंप्लीट बायोग्राफी और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर दें। दोस्तों, जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को अम्बाला हरियाणा में हुआ था। 2022 में इनकी एज 55 ईयर्स की है और प्रोफेशन से जूही चावला इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है। जूही चावला ने अपनी ग्रेजुएशन सिडनहैम कॉलेज मुंबई से पूरी की है। दोस्तों, जूही चावला को बचपन से ही मॉडलिंग का शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत कम उम्र से ही मॉडलिंग की प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू किया। जूही ने साल 1984 में मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। इसके बाद उन्होंने अपना सफर फिल्मों की दुनिया में शुरू किया, जहां इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सल्तनत फिल्म से की थी। खैर, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फिर उसके बाद 1988 में जूही चावला ने आमिर खान के अपोजिट कयामत से कयामत तक फिल्म में काम किया। वह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई। उस फिल्म में आमिर खान और जूही चावला की केमिस्ट्री को दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किया गया। उसके बाद जूही चावला ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जिनमें स्वर्ग, तुम मेरे हो, बोल राधा बोल, लुटेरे, हम है राही प्यार के, डर, साजन का घर और इश्क जैसी फिल्में शामिल थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने साल 1995 में बिजनेसमैन जय मेहता से शादी की। अपनी शादी को एक्ट्रेस ने करीब 6 साल तक छिपाकर रखा। ऐसे में लोगों को जब जूही की सीक्रेट वेडिंग का पता लगा तो एक्ट्रेस को खूब ताने सुनने को मिले। जहां कईयों ने जूही के हस्बैंड को बुड्ढा बताया तो कईयों ने बोला कि जूही ने पैसों के लिए शादी की है। ऐसे में जूही से जब इस बारे में पूछा गया तो जूही ने बताया कि किसी भी लड़की के लिए उसका करियर बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस समय जूही अपने करियर के पीक पर थी और वह नहीं चाहती थी कि मीडिया के अंदर उनकी शादी की खबरें आए, ताकि उनके करियर पर किसी भी तरह का प्रभाव पड़े। क्योंकि दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड में अगर किसी भी एक्ट्रेस की शादी हो जाती है तो उसके करियर पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि जूही को उनकी शादी से एक बेटी और एक बेटा है, जिनमें इनकी बेटी का नाम जानवी मेहता और इनके बेटे का नाम अर्जुन मेहता है। दोस्तों, जूही चावला नेशनैलिटी से इंडियन है और इनका रिलीजन हिंदुइज्म है। अब दोस्तों, जानते हैं इनके घर के बारे में। तो दोस्तों, जूही चावला अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट में रहती है। अब दोस्तों, जानते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। दोस्तों, 2022 में इनकी नेटवर्थ 70 करोड़ इंडियन रुपीज है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।